नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। और हमारा यह करंट अफेयर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीकली होता है, लेकिन हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स अगर आप वीकली भी पढ़ते हो और इस सेशन को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर्स में। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप रेगुलर अपडेटेड रह सकें। इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए या फिर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं उसका अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कॉमेंट सेक्शन के फर्स्ट कॉमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम 10 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आज किन किन टॉपिक्स पे हम एनालिसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है। विगत वर्ष भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पे था। इसके बाद हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद है 7 दिसंबर 2020 को फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। यह मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम है जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है और वर्तमान में 637 मिलियन लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है, भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को $1 अरब के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस ऋण का उपयोग मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किया जाएगा। इसके बाद का टॉपिक है, हाल ही में देहरादून में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। इसके बाद हमारा टॉपिक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। और इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा, हाल ही में खेल मंत्रालय ने योगासन को एक औपचारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। यह योग और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए किया गया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने हेतु मंजूरी दे दी है। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक होगा, हाल ही में फीफा ने बेस्ट अवार्ड की घोषणा की है। ब्रायन म्यूनिक के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने फीफा बेस्ट अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसके बाद 22 दिसंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का शुभ आरंभ होने वाला है। इसके बाद हमारा टॉपिक है, हाल ही में भारत सरकार ने E20 ईंधन को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है और इसके लिए मसौदा अधिसूचना जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट टॉपिक होगा, टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारत के 42वें संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और आज के इस एनालिसिस वीडियो का जो हमारा लास्ट का टॉपिक होगा, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 रियो डी जेनेरियो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना आरुजो को दिया गया है। तो इस तरह से आज हम कुल 16 टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं और सारे के सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उस आधार पे आपके लिए यहाँ 2 क्वेश्चन हैं। और अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, भारत ने इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा,
क्लियर है। चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस निवासी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का सीईओ अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, तो जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के बारे में, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2019 के बारे में, जिसे कि हाल ही में रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसे रिलीज किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इस एजेंसी के द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया जाता है इसके द्वारा, दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स भी इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसके अनुसार जो हालिया रिपोर्ट इसका रिलीज हुआ था, जिसके अनुसार कहा गया कि इंडिया में 27.1% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बहुआयामी गरीबी में है, यानी कि आप मानकर चलो कि 27.1% पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब हम वापस आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक के ऊपर, तो मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 131वें स्थान पे है। पिछले साल की तुलना में भारत को यहां पर दो स्थानों का नुकसान हुआ है, और इस इंडेक्स में टोटल शामिल किए गए देशों की संख्या कितनी है, 189 है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा अगर टॉप कंट्रीज की बात करें इस इंडेक्स के अनुसार, तो इसमें पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे पे है आयरलैंड और तीसरे पे है आपका स्विट्जरलैंड। खासकर टॉप 3 कंट्रीज का नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात करें या फिर इसे इसके इंडिकेटर्स को देखिए, तो मुख्य रूप से 3 इसके इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर ये है कि उस देश में लोगों के जीने की जो अवधि है, यानी कि कितने साल तक जीते हैं, एवरेज क्या है, ये पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा अगर हम पैरामीटर की बात करें तो वहाँ शिक्षा की पहुँच किस प्रकार से है। तीसरे पैरामीटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सभ्य मानक किस प्रकार से है जीने के लिए, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की सुविधा किस प्रकार से है। इन सभी का आकलन करने के बाद मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है। इसके अलावा अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो श्रीलंका को जो रैंक है वो 72 मिला है, चाइना की जो रैंकिंग है वो 85th है, इसके अलावा बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो 133 है, नेपाल की जो रैंकिंग है वो 142 है, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 154 है। तो इस तरह से आप भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी चाहो तो याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टैब्लिश कब किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 22 नवंबर 1965 को, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से आप इतने पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो सबसे पहले किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसे रिलीज किया जाता है कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ काटो इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा तो 111वीं रैंकिंग है यहाँ पर भारत की। पिछले वर्ष भारत की जो रैंकिंग थी वो 94 था। टोटल जो शामिल कंट्रीज हैं वो 162 है। टॉप कंट्रीज का नाम याद रखिएगा न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बुनियादी आयाम या फिर इसके पैरामीटर्स की बात करें तो इस सूचकांक में व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के टोटल 76 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। तो हो सकता है कि कितने इंडिकेटर शामिल किए जाते हैं इस रैंकिंग में, आपसे इस तरह से प्रश्न भी पूछ ले। तो इन 3 पैरामीटर्स के टोटल 76 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, देखा जाता है कि उस देश में व्यक्ति को किस प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, किस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता है, किस प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता है, इस आधार पे इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। टॉप 5 कंट्रीज इस प्रकार से हैं और बॉटम कंट्रीज किस प्रकार से हैं वो इस प्रकार से हैं। लास्ट कौन सा कंट्री है, तो आपका सीरिया है। क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है फिट इंडिया साइक्लोथॉन। साइक्लोथॉन का मतलब है कि यह एक मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम है जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। और फिट इंडिया साइक्लोथॉन जो है ये दूसरा संस्करण का है। पहला संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, और दूसरा संस्करण जो है 7 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया और यह चलेगा 31 दिसंबर
2020 तक। और जैसा मैंने बताया कि यह साइक्लोथॉन है क्या, तो यह एक मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम है ताकि इंडिया को फिट रखा जा सके इस मूवमेंट के तहत। समझ गए? अब यह भी याद रखिएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में कब? तो 29 अगस्त वर्ष 2019 को। और 29 अगस्त को क्या खास होता है याद करिए, तो 29 अगस्त को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। किनकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले कौन, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो है इंडिया को 3 गोल्ड मेडल दिला चुके हैं हॉकी में ओलंपिक के क्षेत्र में। पहला कब 1928, दूसरा कब 1932 और तीसरा कब 1936। और फिट इंडिया मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया, तो 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी बन गई है। हाल ही में एथनोलॉग एक एजेंसी है, इसी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदी जो है अब विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है, जो वर्तमान समय में लगभग 637 मिलियन लोगों द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ना सिर्फ भारत में, भारत के आसपास देशों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे स्थान पे है चीनी मंदारिन, जो कि पूरे विश्व में लगभग 1120 मिलियन लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी, जैसा आपको पता ही है कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जो कि लगभग 1268 मिलियन लोगों द्वारा अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भाषा को जो है आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और कहा गया था कि हिंदी जो है वो भारत का आधिकारिक भाषा होगा। आर्टिकल 343 में शामिल किया गया था हिंदी को। इसके अलावा आपके लिए प्रश्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि आर्टिकल 343 के तहत भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, आंसर जरूर कीजिएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा, आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए $1 अरब का ऋण दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, सबसे पहले याद रखिएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था जुलाई 2014 में। किसके द्वारा? तो ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। और इसी ब्रिक्स का हिस्सा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ताकि विकासशील देश और ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में आर्थिक गतिविधियों को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक रूप है। तो इस तरह से आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखिएगा। और भारत को $1 अरब का ऋण मिलने जा रहा है, किससे? न्यू डेवलपमेंट बैंक से। किस लिए मिलने जा रहा है? खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को और सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथों में पैसा देने के लिए, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ही मनरेगा योजना के माध्यम से इस $1 अरब के ऋण को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन के बारे में है, यानी कि 2020 से रिलेटेड यह सम्मेलन है। कहां आयोजित किया गया? देहरादून में। इसका यह 9वां संस्करण था। इसका थीम इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और इसके अलावा इस सम्मेलन को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, ये आपके लिए प्रश्न है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा।
ठीक। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 के बारे में है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। ये शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण था, थीम इस प्रकार से रहा, और इस शिखर सम्मेलन को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के अवसर पर आयोजित किया जाता है। 2003 से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इसका शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि वर्ष 2020 का थीम क्या है, तो माउंटेन बायोडायवर्सिटी जो है वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का थीम है और इस शिखर सम्मेलन का थीम आपके पास ये रहा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये रहे नव निर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दोनों को चुना गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब ये भी याद रखिएगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है 1927 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और किन्हें दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो पूरे साल भर सुर्खियों में है किसी न किसी वजह से, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे और कोई भी स्टार्स हो। तो अगर वो पूरे साल भर सुर्खियों में है पूरे विश्व में, तो उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से चुना जाता है, ठीक है। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 में किन्हें चुना गया था, तो आपको पता है कि जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब वर्ष 2019 के लिए चुना गया था। टाइम पत्रिका की अगर हम बात करें तो टाइम पत्रिका को शुरू किया गया था 1923 में, न्यूयॉर्क से इसका हर साल जो है वो प्रकाशन किया जाता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है वर्ष 2021 का जो हमारा रिपब्लिक डे होने वाला है उसके चीफ गेस्ट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नाम याद रखिएगा कि वर्ष 2021 के लिए कौन से देश के नेता या फिर कौन से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जो वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले दूसरे नेता हैं। सबसे पहले कौन थे, जॉन मेजर, जो कि 1993 में यहाँ भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वर्ष 2020 में यानी कि इसी वर्ष जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो जो हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति, वो शामिल हुए थे। क्लियर। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, योगासन को एक औपचारिक खेल के रूप में मान्यता दिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से। तो योगासन एक योग का हिस्सा है, आप सभी को पता है, इसे जो है अब आधिकारिक और औपचारिक रूप से खेल का मान्यता दिया गया है। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि कौन से योग के कौन से हिस्से को या फिर कौन से योग के कौन से पार्ट को आधिकारिक या औपचारिक रूप से खेल के रूप में मान्यता दिया गया है, तो योगासन को दिया गया है, इसके बारे में याद रखिएगा। यह योग और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया गया है। योगासन को खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम के साथ जो है शामिल किया जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड आया आपके सामने, खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम शुरू कब हुआ था, तो ये आपका 2018 में हुआ था। कौन कौन से खेल को शामिल करके खेलो इंडिया प्रोग्राम को बनाया गया था, जिसमें से पहला है आपका राजीव गांधी खेल योजना, दूसरा है शहरी खेल संरचना योजना और तीसरा है प्रतिभा खोज योजना। इन तीनों को जो मिलाकर है वो खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 शुरू होने वाला है बहुत जल्द 2021 में। और हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम के तहत, इस गेम के तहत वर्ष 2021 के लिए 4 नए स्वदेशी खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि है गतका, कालारी पट्टू या फिर इसके अलावा थांगता और इसके अलावा मलखम्ब। तो इस प्रकार से 4 खेलों को जो है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम में यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है।
और वर्ष 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, हरियाणा में, और वर्ष 2020 का कहाँ आयोजन किया गया था, वो किया गया था आपका गुवाहाटी में। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत दो कैटेगरी होते हैं, यानी कि दो श्रेणी होता है, एक होता है आपका अंडर 17 और एक होता है आपका अंडर 21, और इसमें लगभग 10,000 खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेते हैं। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पूरी तरह से फंडिंग होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे पूरी तरह से फंड दिया जाता है। क्लियर, चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीफा बेस्ट अवार्ड की घोषणा हाल ही में की गई है, प्रत्येक साल किया जाता है। पिछले वर्ष जो है फीफा बेस्ट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था, लियोनल मेसी को हुआ था 2019 के लिए। अब 2020 के लिए किसे मिला है, तो ब्रायन म्यूनिक के स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट लेवनडोस्की को जो है फीफा बेस्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। और महिलाओं की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये मिला है लूसी ब्रोंज को, ये ब्रिटेन की महिला फुटबॉलर हैं, इन्हें मिला है फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड महिला कैटेगरी में। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा रॉबर्ट लेवनडोस्की जो है सबसे तेज 4 गोल मारने वाले खिलाड़ी हैं, ये लगभग 14 मिनट में 4 गोल दाग चुके हैं, और इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है वो लियोनल मेसी के नाम था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड जो है रॉबर्ट लेवनडोस्की के नाम है, जिन्होंने सबसे फास्ट जो है वो 4 गोल दागे हैं मात्र 14 मिनट में। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि फीफा को इस्टैब्लिश कब किया गया, तो फीफा को इस्टैब्लिश किया गया आपका 1904 में से इस्टैब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक के अंदर में। ज्यूरिक कहाँ है, तो आपका स्विट्जरलैंड के अंदर में है। इसके अलावा फीफा में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 104 है। फर्स्ट रैंकिंग किसको है मिला है, तो फर्स्ट रैंकिंग के अनुसार जो है फीफा का बेल्जियम है वो टॉप पे है। और इसके अलावा फीफा के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं यानी कि प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है तो गियानी इन्फेंटिनो, ये जो है फीफा के वर्तमान प्रेसिडेंट है यानी कि वर्तमान प्रमुख है। तो इस तरह से फीफा बेस्ट अवार्ड की जो हाल ही में घोषणा किया गया, खासकर ये पूछा जाता है प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेन क्वेश्चन आपका यही बनता है, तो नाम याद रखिएगा रॉबर्ट लेवनडोस्की को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर से चुना गया, और पिछले वर्ष लियोनल मेसी को चुना गया था। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के बारे में। 22 दिसंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इस विज्ञान महोत्सव को आयोजित किए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इसको आयोजित किए जाने के पीछे का उद्देश्य है देश में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, साइंस एंड टेक को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य के साथ में मनाया जाता है। इसका समापन जो है आपका 25 दिसंबर को होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के संबोधन के बाद। और थीम क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, ये इस वर्ष का थीम है। इसमें बस इतना ही है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है E20 ईंधन को अपनाने हेतु हाल ही में एक प्रस्ताव रखा गया है, किसके द्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि E20 ईंधन है क्या, तो E20 ईंधन जो है इसमें 20% एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण होता है, जो कि इसके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर पेट्रोल या डीजल में E20 का ब्लेंडिंग किया जाता है, और E20 का ब्लेंडिंग का मतलब है कि 20% इसमें एथेनॉल और गैसोलीन होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बहुत हद तक कम कर देगा। और अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल पॉलिसी इंडिया में लाया गया था वर्ष 2018 में, और उस बायोफ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत 10% एथेनॉल का इस्तेमाल करने को स्वीकृत करता है भारत सरकार। हालांकि 10% तक एथेनॉल आज भी यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ 5.6% तक एथेनॉल यूज किया जाता है। अगर आप कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर 80% तक एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बहुत हद तक कम किया जा सके, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो भारत में एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा E20 ईथन क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए, क्लियर। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान, यानी कि आप इसे अवार्ड भी कह सकते हो। तो वर्ष 2020 के लिए इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन हैं, इन्हें ही इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम क्या है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, यानी कि बिजनेस को अलग इनोवेटिव तरीके से करना उस कंट्रीज में या फिर उस क्षेत्र में, पीस इस्टैब्लिश करना उस इनोवेशन के माध्यम से उसी के क्षेत्र में, किसके द्वारा दिया जाता है, तो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है, इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। और यह सम्मान दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल चैप्टर को लॉन्च किया गया, उसी वक्त इस अवार्ड से रतन टाटा को जो है वो सम्मानित किया गया है, क्लियर। चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है CMS-01 सैटेलाइट। हाल ही में इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और कोरोना काल के बाद यह इसरो का सेकंड मिशन है। पहला मिशन कौन था, EOS-1 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 से लॉन्च किया गया था। और CMS-01 को किससे लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है PSLV C-50 के द्वारा। तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा और उपग्रह का नाम याद रखिएगा। और यह जो सैटेलाइट है CMS-01, यह एक संचार उपग्रह है। अगर आप देखोगे तो भारत में और कौन कौन से संचार उपग्रह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो सबसे पहले नाम आ जाता है GSAT का, इसके बाद आ जाता है INSAT का, और तीसरा श्रृंखला शुरू हुआ है CMS-01 का। तो CMS श्रृंखला के तहत यह पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और यह जो है GSAT-12 का स्थान लेगा। और GSAT-12 को जो है लॉन्च किया गया था वर्ष 2011 में, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 का अनाउंसमेंट किया गया है। और वर्ष 2020 का रामानुजन पुरस्कार जो है वो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को यह सम्मान दिया जाएगा। और इन्हें जो है बीजगणित ज्यामिति के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित जो है इन्हें किया जाएगा। और इस अवार्ड से रिलेटेड आप कुछ और फैक्ट्स याद रख सकते हैं, इसके तहत $15,000 का जो है वो राशि दिया जाता है इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस अवार्ड उसी को दिया जाता है जिसकी उम्र जो है वो 45 वर्ष से कम हो और वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष जो है वो युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा था। चलिए इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जान लेते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अनुसार भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है, तो आंसर होगा 10वां। हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया था और 2020 में 10वां स्थान था और 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 9th थी, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में भारतीय मूल के किस निवासी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का जो है CEO नियुक्त किया गया है, तो नाम है उनका अनिल सोनी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO अपॉइंट किया गया। पहला इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन को एस्टैब्लिश इसी वर्ष किया गया, वर्ष 2020 में ही मई के महीने में, और इस फाउंडेशन का पहला CEO जो है भारतीय मूल के अनिल सोनी को अपॉइंट किया गया है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।